अर्ज क्या है कि करोगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, छाएगी जो उदासी तुम्हें नींद ना आएगी, जो नींद ना तुम्हें आए तो चेहरे पे असर होगा, जो असर होगा चेहरे पे तो तू नजरें चुराएगी, जो तू नजरें चुराएगी तो ना जाने कब तक मिलने ना आएगी, तुम मिलने ना आओ ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। और करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, दर पे तेरे किसी की बारात भी आएगी, जब चारों ओर से तुझे शहनाया घेर लेंगी, मतलब के शोर मचाती हुई तन्हाया घेर लेंगी, प्यार तुझे तेरे माँ बाप का भी सच्चा ना लगेगा, साहिल के बाद तुझे कुछ भी अच्छा ना लगेगा। फिर भी कहाँ ख़त्म कहानी की शुरुआत करोगी, शादी के बाद मिलने ना सही फ़ोन पे तो बात करोगी। इकबाल के एक और शाहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं और इनका हिडन टैलेंट जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। साहिल, साहिल पे खड़े हमने शाम इसी तरह तो लोग अक्सर गाने बोलते हैं आप जी, जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ पे सब लोग ऐसे साहिल पे खड़े किनारा ये सब कहते हैं। सही हो गया। तो क्या सोच के अम्मा अब्बा ने ये नाम रखा? ये तो माँ को पता होगा। अच्छा जी, साहिल क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब? मैं लामा रिटेल जो ब्रांड है ना वहाँ पे मैं सेलमैन हूँ। गुलबर्ग? यस। अच्छा सही है, बड़े एक्सपेंसिव कपड़े हैं यार उनके। जी जी। तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है? यस 30% मिलता है, अगर सेल हो तो 50% भी मिलता है। अच्छा, अगर सेल कम भी है तो? जी, अगर हमने लेना हो हम आएंगे तो हमें दो। आप आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। बस डन हो गया, हमने कल जाना लामा रिटेल। सही है, क्योंकि अच्छे कपड़े होते हैं उनके। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं? मैं बचपन से शेरो शायरी करता आ रहा हूँ। शेरो शायरी है या शेरो शायरी? शेरो शायरी है। बचपन से कर रहे हो? जी। बचपन से क्या दिल आ गया था किसी पर? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वैसे गॉड गिफ्ट है। अच्छा जी, सुनाओ ना फिर कुछ अच्छा सा। कैसे सुनना चाहेंगे आप शायरी? जैसी आप सुनाना चाहें। तो ये मोहब्बत के नाम कुछ कहना चाहूँगा। ठीक है, मोहब्बत के नाम कह दो। तो अर्ज क्या है कि करोगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, छाएगी जो उदासी तुम्हें नींद ना आएगी, जो नींद ना तुम्हें आए तो चेहरे पे असर होगा, जो असर होगा चेहरे पे तो तू नजरें चुराएगी, जो तू नजरें चुराएगी तो ना जाने कब तक मिलने ना आएगी, तुम मिलने ना आओ ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। और करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, दर पे तेरे किसी की बारात भी आएगी, जब चारों ओर से तुझे शहनाया घेर लेंगी, मतलब के शोर मचाती हुई तन्हाया घेर लेंगी, प्यार तुझे तेरे माँ बाप का भी सच्चा ना लगेगा, साहिल के बाद तुझे कुछ भी अच्छा ना लगेगा। फिर भी कहाँ ख़त्म कहानी की शुरुआत करोगी, शादी के बाद मिलने ना सही फ़ोन पे तो बात करोगी, मोहब्बत के नाम पे साहिल का इस्तेमाल करोगी, तुम करो इस्तेमाल ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। और करोगी मोहब्बत तो रोज़ मुलाकात होगी, वक्त ज़ाया होगा फजूल की बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, घर वाले पूछेंगे तो क्या बोलोगी, कुछ बोलोगी भी जा खामोश हो जाओगी, दिल की बातों को सोच के रात भर मुस्कुराओगी, पड़ी मेरी तस्वीर को अपने सीने से लगाओगी, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेके तुम्हें लोग बुलाएंगे, एक दिन तू इन बातों से तंग आ जाएगी और मुझे पत्थर की तरह तू ठुकरा जाएगी, तू ठुकराए ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। और करोगी मोहब्बत तो इजहार भी होगा, जमाने से छुप छुप कर प्यार भी होगा, तुमको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, हम पे रहने लगेंगी लोगों की नजरें। सुनाओ सुनाओ आगे। बस उसका खत्म हो गया? नहीं नहीं शायरी तो तभी वो सार है यार, उसका फ्लो नहीं खराब करे। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी होगा, जमाने से छुप छुप कर प्यार भी होगा, तुमको तकने लगेंगी लोगों की नजरें, हम पे रहने लगेंगी लोगों की नजरें। यार बस मैं थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत अच्छा सुनाया, तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। ये इतनी लंबी शायरी खुद लिखी है? ये मैंने सुनी भी हुई है, बाकी मैंने अपनी तरफ से भी ऐड की हुई है। कुछ सुनी है, कुछ आपने अपना ऐड किया, यही टैलेंट है जी। और भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुना दे। आपका नाम? तो ये स्पेशल शेर सज्जल मैम के लिए है कि आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया आपको, मुस्कुरा के मार देना किसने सिखाया आपको, दिल तो करता है आपको बिठा के सिर्फ देखता रहूं, मेरे खुदा ने इतना प्यारा क्यों बनाया आपको। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा शेर है। सही हो गया। अच्छा इस दुनिया में आगे जो जिंदगी का क्या प्लान्स है? बस शेरो शायरी करनी है, शेरो शायरी करनी है बस, यानी कि शायर बनना है। कौन सा पोइट आपका फेवरेट है? मैं आई थिंक ना किसी को नहीं ज़्यादा लाइक करता है ना, एक नया टिकटॉकर है शाहनूर नाम है उनका जी, उनको मैं सुनता हूँ, दो लाइनें उनकी सुनता हूँ, दो लाइनें खुद बनाता हूँ।
उनकी दो लाइन सुनाओ और फिर अपनी दो ऐड किया हुआ। तो अर्ज क्या है? अच्छा जी, इरशाद। अर्ज यार भाई प्लीज साइन नहीं मिल शायरी ना यार उन लोगों के खराब करो शायरी से दो के दिल तो अर्ज क्या है? मैम एक मिनट रुके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, अर्ज किया है तो अर्ज करते रहो, मेरे सारे मदारी उधर पहुंचे हैं। तो अर्ज क्या है कि लकीरों से मतलब नहीं, हाथ देना हो तो बताइए। के लकीरों से मतलब नहीं, हाथ देना हो तो बताइए, मैं जिस्म का आदि नहीं, साथ देना हो तो बताइए। क्या बात है भाई, बड़ी अच्छी शायरी आपकी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा गपशप। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपका शायर बनने के लिए। मैंने अब तुमने कर दिया तो ऐसे कर लेते, लेकिन मैंने आपको बेस्ट करना था ऐसे। थैंक यू। सफदर का जब भी इंटरव्यू लेते हैं बहुत ज़्यादा वायरल जाता है, और पिछले साल भी हमें रेस को मिला था, आज फिर से मिल गए और आज तो मेरे से मैचिंग भी हो गई है इसकी। क्या हाल है जी? ठीक है, आप सुनाएं। इतने वायरल हो गए, हर एंकर आ जाते तुम्हारा इंटरव्यू लेने, बस देख लें। और तुम्हारे को कहते हो आई लव यू, क्यों भाई इतने दिल फेंक इंसान हो? नहीं नहीं, वो वैसे प्यार से कहता हूँ। प्यार से कहता हूँ, कब किसी में गुस्सा आ रहा होगा तो उसको क्या कहोगे? मैं उसे आई हेट यू। बैग के अंदर क्या क्या है? मेरे सामान है। सामान में क्या क्या सामान है? बिस्किट है। बिस्किट है, एक बिस्किट दो ना फिर। आपको खिलाना है, पक्की बात है? पक्की बात है, बिस्किट खाओगे? बिस्किट खाऊंगी, खा लो तो मैं पहन दूंगी, पक्की बात है। ठीक है भाई, सफदर जो है ना बिस्किट दे रहे हैं। कैफे बिस्किट सबसे गंदा मुझे लगता है। क्या मेरे बिस्किट की गंदगी कर रहे हो आप? नहीं नहीं, खाने में, लेकिन है थैंक यू, मैंने चेक करना था तुम देते हो या नहीं। अच्छा सफदर, आज क्या सुनाओगे हमें, कोई गाना, कोई शायरी, कोई भी ऐसी चीज? मैं ये सुनाना चाहता हूँ, पहली बात तो आप आज इतनी प्यारी लग रही है। हर लड़की को ये ऐसे ही कहते हैं कि आज कितनी प्यारी लग रही है। आपको नहीं पता इतना प्यार आना कर उन्हें जुर्म है, इसलिए आपको अपने दिल में उम्र कैद की सजा देते हैं। मार खानी है, ये बहुत खराब हो चुका है बच्चा, और मेरा कैमरामैन समझ नहीं आ रहा इधर से उधर उधर से इधर क्यों कल्टियाँ खा रहा है, पता नहीं है ना। कुछ और कहना है? मैंने आपको कहना है, कह दो प्यार से, कहोगे थोड़ा प्यार से कह दो, प्यार से। एक बात है, आज मेकअप ज़्यादा लगाया है। आज तबीयत सही नहीं थी ना, इसलिए ज़्यादा लगाएंगे तो लोग पता ना चले। पता ना लगे, ये तो है। अब वो तो कह देते हैं, गई थी पार्लर में, का सबसे खड़ा जादू होता है पार्लर में, जाती है काली माँ, जाती है करती ना कैब। ऐसी भी बात नहीं है, क्या हो गए, पक्की बात है। मैं तो तबीयत की वजह से करके आई हूँ, वरना तो मैं लाइट ही करती हूँ। आज तो आज के दिखाना। आज तो हंसा भी नहीं जा रहा मेरे से। नहीं ये नहीं हो सकता, आप नहीं हंसा जा रहा हूँ। क्यों? चुटकुला सुनाओ कि हंसी आए। हाँ अच्छी एक बात सुनाओ। हाँ आजकल की लड़कियां हुस्न में नाश करती हैं। पहला कलमा आता नहीं और इंग्लिश में बात करती है। कुछ और सुनाओ, कुछ नया सुनाओ। नया सुना देते हैं, किसने दी दिल पे दस्तक, कौन है? आप तो अंदर है, बाहर कौन है? उसे तो पकड़े, बाहर कौन है? मिलाओ हाथ। अच्छा कुछ इधर क्या लेने आए हो? इधर मैं हर दफा काम ही करता हूँ फिलहाल तो। काम नहीं करते सिर्फ, तुम एंकर ढूंढते हो, कैमरा ढूंढते हो, उधर तुम पहुँच जाते हो इंटरव्यू देने। वो इंटरव्यू तो होते रहते हैं ना, प्यारी लड़कियों को भी तो देखे ना, वो कहते हैं इधर कितने गुलाब के बूटे हैं। मैंने कहा एक भी को, एक को भी नहीं पानी देना, नहीं तो वो खिल जाएंगे। वो गुलाब का फूल किसको कहते हैं? वो जो इधर गुलदस्ते लगे हुए, सारी लाज लड़की आई हुई हैं। सही है, तुम्हें पता था आज मैं वाइट शर्ट पहन के आऊंगी, तो तुम वाइट शर्ट पहन के आओगी। वो ना मैं आज ना अपनी दादो घर गया था, तो मैंने कहा उधर पहन के जाता हूँ थोड़ी इज्जत हो। वाइट कपड़ों में इज्जत होती है। जी जी सही हो गया। कुछ और कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्यार से बात करे उन्हें सोने से तोल दियो, जेड़ा बदमाशी करे उन्हें नसरा रोल दियो। नसरा रोल दियो, ठीक है। थैंक यू सो मच सफदर। आज क्या नाम है? आज बहुत सच्ची प्यारी है। थैंक यू। थैंक यू, अदाब।